ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस आप सभी को करना क्या है गाइस, आप सभी को बस एक चीज करनी है कि गाइस जब आप अपने फोटो को क्लिक करवाओगे तो गाइस आपको थोड़ी ग्रास वाले एरिया में फोटो क्लिक करवा लेना है। वो गाइस आपको फोटो वहां पे क्यों क्लिक करवाना है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आपको कुछ इस टाइप की ग्रास के जगह मतलब कि पेड़ पौधे वाली जगह पे फोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड इरेज करेंगे एंड जो नीचे का ग्रास वगैरह उसको हम इरेज नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाएंगे एंड इरेजर टूल में जाने के बाद यहाँ पे हार्डनेस थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। तो हार्डनेस आप भी कम कर लेना एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना एंड बाकी फिर यहाँ पे हम फटाफट इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ऐसे सेट कर लेते हैं, परफेक्ट है। अब इसको हम ऐसे फटाफट इरेज कर लेते हैं, तो आप लोग जब तक म्यूजिक एंजॉय करो। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो भी अपने मॉडल का कटआउट किया था गाइस आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है। एंड गाइस, उसको ऐड करने के बाद गाइस आपको करना क्या है गाइस, आपको कुछ स्टेप्स से मॉडल को रखना है। एंड गाइस, उसका जो साइज होगा गाइस आपको मतलब कुछ स्टेप्स साइज रखना है, मतलब कि जो आपका मॉडल होगा ना वो दिखना चाहिए कि आपका जो मॉडल है इस ग्रास के बीच में खड़ा है, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है। एंड गाइस, यहाँ पे दो है मतलब कि हम इसका साइज जो है यहाँ पे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब एकदम ये ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ है हमारा मॉडल, ठीक है। तो हमें इसे तो बीच में पहुँचाना है, तो उसके लिए करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा साइज छोटा करेंगे एंड साइज छोटा करें कुछ स्टेप्स हम इतना साइज रखेंगे। एंड उसके बाद गाइस आपको ग्रास का पीएनजी मैंने ग्रास को छोड़ने के लिए इसलिए बोलता गाइस क्योंकि हम रिजल्ट में जाकर जब हम इसका हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेंगे ब्रश का एंड जब इसको इरेज करेंगे तो गाइस बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यार हमारा जो हमें यहाँ पे कुछ इरेज करके यहाँ से अपने मॉडल को ऐड किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपसे बोला था वहाँ पे आपको जो एरिया छोड़ना है, ठीक है, ठीक है। इतना ऐसी जगह पे और आपको फोटो भी क्लिक करवानी है, तो अभी इतना परफेक्ट है। आप गाइस यहाँ पे हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड गाइस यहाँ पे जो है AKM की PNG यानी कि गन है जो उसकी हम PNG को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे परफेक्ट है, आप इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको जो हैंड के पास है जो अपने कुछ स्टेप ऐसे रखना है एंड ऐसे रखने के बाद यहाँ पे आपको गाइस मतलब कि साइज देखना है कि गाइस जो आपका साइज है वो किस तरीके किस तरह मतलब कि आपको अच्छा आपके हाथ में फिक्स होगा, ठीक है। तो उस टाइप से आपको साइज रखना है इसका। एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फटाफट से इसको इरेज कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे इसको फटाफट इरेज करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी वीडियो को फास्ट भी करनी पड़ेगी।
ऑल राइट गैस, तो यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है। अब गैस यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है टैक्स वाले पीएनजी में, एंड गैस यहाँ पे जो आप सभी को अपना नेम ऐड करना है वो कैसे करना है, यहाँ पे गैस आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो मतलब कि हिम्मत सिंह का भाई का हिम्मत सिंह जो यूज़ करते हैं अपने लिए वो करते हैं आई एम हिम्मत सिंह, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे यहाँ पे शॉर्ट में IMHS करेंगे, ठीक है, HS रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा नाम तो वहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी कुछ अपना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम को ऐड करना, एंड जो फॉन्ट वगैरह वो आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको जब ये इस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको, रिसेंट फॉन्ट में एंड माई फॉन्ट सारे यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो आपको इसको गैस जो नेम को ऐड कर किधर करना वो मैं बता देता हूँ आपको। गैस बैकग्राउंड में एक खाली सा एरिया दिखेगा इस कुछ इस टाइप से, आपको सिंपली उस जगह पे अपना नाम ऐसा ऐड करना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो गैस यहाँ पे जो है मेरे को टेक्स्ट ना जो फॉन्ट है इतना खास नहीं लग रहा, तो हम ये वाला फॉन्ट लेंगे एंड ये वाला यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो इतना कर देते हैं। अब उसके बाद गैस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देंगे। अब गैस यहाँ पे हम एक PNG और ऐड करेंगे जो कि गैस हमारी ग्रास की, तो हम इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद इसको ऐड कैसे करना, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है एंड कुछ हिसाब से नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे लगा रख देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से एकदम कर देना है डन। अब गैस यहाँ पे हम इस फोटो को यहाँ पे सेव करेंगे, क्योंकि गैस अभी हम इसमें करेंगे रीटच, एंड जो कि करते हैं हम लाइटरूम ऐप में, तो हम ऐसे सिंपली लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेंगे। एंड गैस यहाँ पे हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो गैस क्या करेंगे, आपको पहले यहाँ पे ऑटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन गैस अगर आपको सीख मतलब कि लाइटिंग वगैरह अगर एडजस्टमेंट ठीक लगती है तो आप उसको रहने देना, अदरवाइज आप लाइट वाला ऑप्शन में जाकर इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अभी हम इसमें जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे फिर मिक्स में, फिर येलो कलर को लेंगे, एंड इसका दो गैस सैचुरेशन हम इसको माइनस करेंगे, ह्यू है जिसको माइनस करेंगे, सैचुरेशन को भी माइनस करेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना फिर ऑरेंज कलर में, आपको यहाँ पर थोड़ा सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको सिंपली इसका व्यू ब्लू का जो है इसका ह्यू चेंज करना है, एंड इसका सैचुरेशन प्लस करना है, एंड इतना परफेक्ट है। आप गाइस यहाँ पे ले जाएंगे हम रेड कलर में, एंड गाइस इसका हम ह्यू चेंज करेंगे एंड इसका सैचुरेशन बढ़ा देंगे। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर सिंपली डन कर देना है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना, आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना, एंड गाइस जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने हिसाब से। एंड उसके बाद गाइस आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, आपको गाइस इसको बढ़ा देना है। एंड गाइस इसके बाद जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, फिर उसके बाद आपको फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस यहाँ पे नोड रिडक्शन है जो आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस हमने बैकग्राउंड PNGs लगा के हमने फोटो यहाँ पे काफी मस्त बना दिया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।